अस्सलाम वालेकुम। आज एक और रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले जो रिव्यू हम कर रहे हैं थे वो ब्रेक शू था, चैन किट थी, इसके अलावा हमने एक तो और रिव्यू किए हैं। आज हम लेके आए हैं इंजन ऑयल का रिव्यू। सबसे पहले इंजन ऑयल हमारे पास है जो पुरानी मोटरसाइकिलें हैं ना, अप टू 12 मॉडल, 13 मॉडल होंडा की या चाइना की, उनके लिए ये बेस्ट ऑयल है। तो ये मार्केट वैल्यू 560 चल रही है इस टाइम, ये आज का रेट है जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया। इसका अंदर आता है हमारे पास 1 to 5 का 20-40 ये आपको अवेलेबल हो जाता है। ये भी पुरानी मोटरसाइकिलों के लिए हैं, ये आपको अवेलेबल हो जाता है आई थिंक 830 तक रही। उसके बाद 1 to 5 के लिए जो असल 1 to 5 ऑयल है ना वो ये है वो रीड सिल्वर, ये 930-940 तक अवेलेबल हो जाता है। ये बेस्ट है, ये 20-50 है, ये 20-40 है, ये पुरानी मोटरसाइकिलों के लिए सही है, ये नई मोटरसाइकिलों के लिए सही है, ये दोनों ही है और इनकी जो आयरन है अपने हिसाब से। उसके बाद एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है वो ये कि एक मोटर ऑयल सबसे अच्छा है। मेरे मुताबिक मोटर ऑयल जो है ना बाइक के लिए है ही नहीं, क्योंकि इसके पीछे आप अगर पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है रिकमेंडेड फॉर नेचुरली और लाइट कमर्शियल व्हीकल। ये देखें किसी भी डब्बे पर आप लिखेंगे नॉट रिकमेंडेड फॉर डीजल इंजन मोटरसाइकिल इंजन एंड वेयर APISH और हायर परफॉर्मेंस ऑयल आर्टिकल, सही है। उसके बाद आ जाते हैं हम होंडा पर। होंडा में सर तीन तरह की क्वालिटी आती हैं, होंडा 700 ml, 750 ml और 1000 ml। होंडा का ये 20-40, 20-50 दोनों में अवेलेबल होता है। ये 490 है, ये जो बिल्कुल नई गाड़ियाँ हैं ना 20-21 बाईस में, उनके लिए परफेक्ट चॉइस है, सही है। उसके बाद ये होंडा में 1 to 5 में आता है, ये 20-40, 20-50 है, ये भी जो बिल्कुल नई मोटरसाइकिल आ रही है ना उसके लिए, यूरो 2 के लिए परफेक्ट आएगा। उसके बाद हम ले आते हैं शेल को। हमारे पास शेल 3-4 क्वालिटी में, तो ये शेल 20-40 है, ये सर्दियों में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, सही है, ये 420 इसकी मार्केट वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास ये शेल 20-50 है जो सब जगह अवेलेबल होता है, इसकी मार्केट वैल्यू जो है ना 470-460 चल रही है। फिर ये मार्केट वैल्यू आती है इसकी लीटर में शेल की, इसकी मार्केट वैल्यू चल रही है इस टाइम 700 के लगभग, 680 तक मिल जाता है आपको, अवेलेबल हो जाता है। और अब ये जो शेल ऑयल है ना ये ज़्यादा प्रेफरेबल है लोडर रिश्को, जिसको हमने ओवरलोड करना होता है, सही है। हैवल किसके लिए? पुरानी मोटरसाइकिल के लिए और चाइना के लिए। होंडा किसके लिए? नई मोटरसाइकिलों के लिए। और इसके बाद हम आते हैं लोडर के लिए शेल, और उसके बाद आते हैं यूनिवर्सल ऑयल। हमारे पास फिर आता है टोटल, ये बेहतरीन ऑयल है यामाहा के लिए, यामाहा वाले लोग ही दरवाते हैं साइड बॉक्स में भी, ये भी, और ये सीडी के लिए भी बेस्ट है, जो नया मॉडल पुराना मॉडल ओवरऑल, मतलब ये सारे ऑयल मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ कि यार कौन लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये यामा वाले लोग ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और 1 to 5 दिन के बाद जो है ना कोई नॉर्मल हो रेंज में हो, मतलब कोई ज़्यादा अच्छा कंडीशन में ना हो, तो वो कहते हैं यार कोई भी ऑयल दे दो, टोटल भी डाल दे, जो भी डाल दे, ये कोई इतनी ज़्यादा इसकी 1 to 5 में टोटल सेल नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है हल्दी लजीज ऑयल PSO, पाकिस्तान का अपना ऑयल, ये यकीन करें सबसे ज़्यादा हमारा सेल होता है, शायद लोग का ना होता है लेकिन हमारे इधर मुल्तान रीजन में बहुत ज़्यादा सेल होता है। इसकी मार्केट वैल्यू 370 थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू इंक्रीजिंग इन प्राइस ऑफ डॉलर एंड मैनी अदर रीजंस, तो इसकी प्राइस उन्होंने इस टाइम कर दी है 440, सही सुना आपने, 440 इसकी प्राइस कर दी है। अब जहाँ तक बात रही आखिरी ऑयल की, वो आखिरी ऑयल कौन सा है, वो है जिक। जिक हम आपको दिखाते हैं, जिक में तीन किस्म की क्वालिटियाँ आती हैं, ये है M3, वो आता है M5 मिली लीटर पे में, ये M3 है, ये 600 का है, वो 700-800 का होता है। अब इन सारी ऑयल का आपको ओवरव्यू देने का मकसद ये था कि आपको चॉइस करना है आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं, आप बताएँगे आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं कमेंट बॉक्स में, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा, सही है।